आज विदिशा अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों ने इस ज्ञापन को आखिरी चेतावनी के रूप में देते हुए 21 फरवरी से भोपाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन की दी चेतावनी। अतिथि शिक्षक के रूप में लंबे सालों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये ज्ञापन उनका अंतिम ज्ञापन है। इसके बाद वे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जल्द ही उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वे भोपाल में 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि अच्छा परिणाम देने के बाद भी 15 सालों से काम करने के बाद उन्हें उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उनका परिवार संकट में है। द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला विदिशा विषय स्कूली अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर अन्य राज्यों की तर्ज पर आज के संदर्भ में यह ज्ञापन सौंपा है। मैं रश्मि दुबे जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सभी अतिथि शिक्षक विगत 15 सालों से बहुत ही परेशान हैं। हम लोग सिर्फ सरकार से अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और सरकार हम लोगों की लगातार अनदेखा कर रही है। हम लोग अब सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा आखिरी अल्टीमेटम यही है कि हम लोगों की मांगों को ध्यान में रख करके हमारी मांगें पूरी की जाए। एक ही मांग है हम लोगों की, सिर्फ नियमितीकरण और नियमितीकरण। यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, हमारी मांगों को सरकार ने ध्यान में नहीं दिया, तो हम लोग 20 तारीख से 21 तारीख से भोपाल की धरा पर अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो भी हम लोगों से जैसा भी हम लोगों को करना होगा फिर हम लोग करेंगे। बस आखिरी हम लोगों ने चेतावनी दे दी है। इसी के साथ मैं आपका और आज के संदर्भ में अपने ज्ञापन सौंपा है। मैं शैलेंद्र सक्सेना अतिथि शिक्षक वर्ग एक, और आज हम लोगों ने जो अंतिम अल्टीमेटम ज्ञापन माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, हम सब की मांग यह है कि बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं लेकिन आज तक हम लोगों के नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। हम सब हैरान हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अच्छा परिणाम देने के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे कई साथियों को 4 से 6 महीने से अधिक समय हो गया, मानदेय नहीं मिला है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोगों के धरना स्थल पर आकर कि टाइगर अभी जिंदा है। हम पूरे सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का टाइगर वाला रूप देखना चाहते हैं। आप आए और हम लोगों के पक्ष में कोई ठोस नीति बनाकर हम लोगों का भी नियमितीकरण करें। कितने कर्मचारी हैं जिले में ऐसे? हमारे पूरे जिले में 700 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं जो विभिन्न वर्ग में, वर्ग एक में, वर्ग दो में और वर्ग तीन में कार्यरत हैं तथा संपूर्ण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।